हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बट एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा एनालॉजी टेस्ट उसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बैंक इज रिलेटेड टू मनी इन द सेम वे यानी कि जो है वो किस में डील करता है मनी में हमें बताना है ट्रांसपोर्ट जो होगा वो किस में डील करता है तो तो अगर हम इसकी बात करें तो बैंक जो मनी का ट्रांजेक्शन करता है उसी तरह से हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो वो किसका ट्रांजेक्शन करेगा यानी कि मूवमेंट करेगा वो करेगा ट्रांसपोर्ट हमारा गुड्स का तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गुड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फैन इज रिलेटेड टू विंग्स इन द सेम वे एज व्हील इज रिलेटेड टू यानी कि फैन जो होता है वो जब आ, फैन अगर हम पार्ट्स की बात करें तो विंग्स एक फैन का पार्ट है क्योंकि विदाउट विंग फैन का कोई काम नहीं है सेम उसी तरह से व्हील जो है वो किसका पार्ट होता है मतलब व्हील के अंदर क्या होता है स्पोक्स व्हील के अंदर स्पोक्स लगे होते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्पोक्स नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कैप्टन इज रिलेटेड टू सोल्जर इन द सेम वे लीडर इज रिलेटेड टू यानी कि हमें बताना है कैप्टन जो होता है वो किसका होता है यानी कि कैप्टन सपोज टू लीड द बटालियन ऑफ सोल्जर यानी कि सोल्जर की जो बटालियन होते हैं उसका एक कैप्टन होता है यानी कि जो उनको लीड करता है सेम उसी तरह से हमें बताना है लीडर जो है वो किसको लीड करता है तो लीडर जो होता है लीडर को जो लीड करते हैं वो क्या कहलाते हैं फॉलोअर तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्क्रिमिश इज रिलेटेड टू वॉर इन सेम वे डिजीज इज रिलेटेड टू यानी कि जो स्क्रिमिश होते हैं वो अनकंट्रोलेबल uh, 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 होते हैं वॉर के लिए उसी तरह से अगर डिजीज हैं वो अनकंट्रोलेबल किसके लिए होंगी एपिडामिक के लिए तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है ट्री इज रिलेटेड टू रूट यानि की ट्री जो होता है वो किससे कनेक्टेड है रूट से है उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है रूट से हुआ है उसी तरह से स्मोक जो होता है उसका ओरिजिन कहाँ से है इसका स्मोक होता है फायर से जब फायर लगती है तभी स्मोक निकलता है तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं गुड इज रिलेटेड टू बैड यानी कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं तो ये इसका अपोजिट भी हो सकता है गुड का क्या है अपोजिट बैड और इन द सेम वे रूफ इज रिलेटेड टू यानी कि आपको रूफ का बताना पड़ेगा तो रूफ का जो अपोजिट है वो होता है फ्लोर तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ओवल किससे रिलेटेड है सर्किल से उसी तरह से रेक्टेंगल किससे रिलेटेड होगा तो फ्रेंड्स अगर बात करें ओवल की तो ओवल हमारा सर्किल से रिलेटेड है देखिए ओवल कैसे बनता है इस तरह से और सर्किल हमारा बिल्कुल गोल होता है ठीक है तो ओवल से सर्किल की हमारी फॉर्म निकल कर आ रही है सेम उसी तरह से बात करें तो रेक्टेंगल की शेप ये होती है तो रेक्टेंगल से क्या शेप निकल कर आएगी रेक्टेंगल से हम बना सकते हैं स्क्वायर को तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है अंपायर इज रिलेटेड टू मैच इन द सेम वे अ जज इज रिलेटेड टू यानी कि मैच में आ, कौन होते हैं एम्पायर होते हैं तो जज किससे रिलेटेड होंगे तो फ्रेंड जज जो रिलेटेड होते हैं वो लॉ सूट से रिलेटेड होते हैं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वीडियो इज रिलेटेड टू कैसेट इन द सेम वे कंप्यूटर इज रिलेटेड यानी कि वीडियो जो होती है वो कैसेट से रिलेटेड होती हैं और कंप्यूटर हमारा किससे रिलेटेड है रील्स रिकॉर्डिंग फाइल्स या फ्लॉपी तो फ्रेंड्स कैसेट इज यूज एज अ सॉफ्टवेयर इन दीडियो यानी कि कैसेट का यूज किया जाता है एज अ सॉफ्टवेयर वीडियो में उसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के देखें तो एक फ्लॉपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम कंप्यूटर में एज अ सॉफ्टवेयर इसको यूज करते हैं तो ऑप्शन डी आपका पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्रिटर यानी कि जो म्यूजियम है वो क्रिटर से रिलेटेड है उसी तरह से प्रिजन किससे रिलेटेड होगा तो फ्रेंड्स प्रिजन जो होगा वो हमारा यहाँ पर रिलेटेड होता है इंचार्ज से इंचार्ज अगर हम बात करें कि प्रिजन का इंचार्ज कौन होगा Uh, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रिजन का इंचार्ज जो होता है वो जेलर होता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आवर इज रिलेटेड टू सेकेंड इन द सेम वे टर्टियरी इज रिलेटेड टू यानी कि जो आवर होते हैं वो हमारे सेकेंड uh, से रिलेटेड है यानी कि थर्ड पोजीशन मान सकते हैं हम इसकी आवर की उसी तरह से टर्टियरी की बात करें तो इसकी थर्ड पोजिशन किसके बाद आएगा अगर हम इसके इसको रैंकिंग में करें तो पहले है आता है प्राइमरी सेकेंडरी फिर थर्ड तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी क्योंकि देखिए सेकेंड आता है फिर मिनट आता है फिर आता है आवर ठीक है उसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा प्राइमरी तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं फायर इज रिलेटेड टू एशेज इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू फायर जो होता है किससे रिलेटेड है तो फ्रेंड्स फायर हमारा क्या रिड्यूस करता है एशेस को उसी तरह से अगर हम एक्सप्लोजन की बात करें तो ये रिड्यूस करता है हमारा डेब्रीज में ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट आते हैं अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो अगर ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड है तो हमारा जो कांग्रेस है वो किससे रिलेटेड है तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ग्रेट ब्रिटेन वो हमारी जानी जाती है पार्लियामेंट से ठीक है उसी तरह से अगर हम बात करें लॉ मेकिंग सुप्रीम बॉडी यूएसए है कांग्रेस के लिए ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा जो आ, लॉ बनाती है सुप्रीम बॉडी वो यूएसए है और उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट um, याद करने पड़ेंगे जो आपके फैक्ट्स हैं उसको देख भी आपसे पूछा जा सकता है लेकिन ये एक प्रैक्टिस सेट है थोड़ा हार्ड है आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इस तरह से मतलब यहाँ पे मैंने जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो थोड़ा हार्ड लेवल का लिया है क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा हार्ड कराइए हार्ड क्वेश्चंस कराइए अगर आप इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे उन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना टफ नहीं पूछा जाता है नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो इन दी सेम वे नेशन इज रिलेटेड टू यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं वो हमारे रिलेटेड होते हैं किससे लोगो से उसी तरह से हमारा नेशन से क्या रिलेटेड होगा तो वो होगा एम्बले तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए आप डेटा प्रोसेसिंग हमारा किससे रिलेटेड है रॉ मटेरियल से ठीक है रॉ डेट सॉरी रॉ डेटा रॉ डेटा को ही आप क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे उसी तरह से यूनिवर्सिटी हमारी किससे रिलेटेड होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो डेटा प्रोसेसिंग किसकी प्रोसेसिंग करता है रॉ डेटा की ठीक है उसको फाइनल प्रोडक्ट करने के लिए उसी तरह से यूनिवर्सिटी एक प्लेस है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को शेप दी जाती है उनके करियर के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ब्रेली इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस इन द सेम वे सिग्नल लैंग्वेज किससे रिलेटेड है सॉरी साइन लैंग्वेज हमारी किससे रिलेटेड है तो फ्रेंड्स अगर हम देखें जो ब्लाइंडनेस होती है जिनके साथ उनके लिए एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं उनके लिए एक मेथड है जिसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं वो है ब्रेली सिस्टम उसी तरह से अगर हम साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो ये साइन लैंग्वेज किसके लिए यूज किया जाता है तो ये साइन लैंग्वेज यूज किया जाता है जो कि डीफ पर्सन होते हैं जो सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज की जाती है रीडिंग और राइटिंग के लिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगी डीफनेस वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बोट इज रिलेटेड टू और इन द सेम वे इज रिलेटेड टू अब बोट जो है वो हमारी किससे रिलेटेड है और एक डिवाइस होती है जो कि बोट को क्या करती है पुश करने का काम करती है उसी तरह से बाईसाइकिल में ऐसा कौन सी चीज है जो उसको पुश करती है तो फ्रेंड्स आपने बाइसाइकिल सबने ही चलाई होगी तो आपको पता होगा कि बाइसाइकिल जब हम उसको पुश करते हैं तो उसमें किसका यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स बाईसाइकिल में पुश करने के लिए जो यूज किया जाता है वो था पैडल तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, victory, जब हम मैच से जो आउट कर निकल कर आएगा तो विक्ट्री है उसी तरह से एग्जाम देकर जो उसके आउटकम निकलता है उसको क्या बोला जाता है अपीयर राइट अटेम्प्ट सक्सेस तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है सक्सेस क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्ट्री एक पॉजिटिव वे है कि उसने उसको जीत लिया उसी तरह से एग्जाम उसने पास कर लिया तो क्या मिल गई उसे सक्सेस मिल गई तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर है इसी तरह से फ्रेंड्स को आपसे पूछे जाएंगे थोड़ा हार्ड है तो अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप इजीली वहां कर सकते हैं नेक्स्ट है हार्ट इज़ रिलेटेड टू ब्लड यानी कि हार्ट हमारा ब्लड से रिलेटेड है उसी तरह से लंग हमारी किससे रिलेटेड होगी तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि हार्ट एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि हमारे जो ब्लड होता है उसको पंप करने में उसको फ्लो करने में हेल्प करता है उसी तरह से जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे जो भी ऑक्सीजन होती है उसको फ्लो करते हैं उसको स्टोरेज करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा लंग हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को फ्लो करने में नेक्स्ट पे आते हैं फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन इन सेम वे हैंड इज रू तो फेस जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से face से से फेस हम देते हैं उसी तरह से, हैंड से हम हैं क्या करेंगे गेस्टर वर्क हैंड शेक या फिर पॉइंटिंग तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एकदम फेस से एक्सप्रेशन फेस से बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात की जा रही है तो उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर हैंड से तो हैंड से हम हैं क्या करते हैं करते हैं तो ऑप्शन ए आपका पे राइट आंसर है तो फ्रेंड्स जिस तरह से कोबलर हमारा से रिलेटेड है उसी तरह से हमारा टेलर जो है वो किससे रिलेटेड होगा तो फ्रेंड्स जब कोबलर होता है तो जब वो अपनी जिस चीज के लिए वो पर्सन है वो उस चीज को बनाता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है लेदर उसी तरह से टेलर हमारा किस चीज के लिए है कपड़े सिलने के लिए और उसको क्या चाहिए वो काम करने के लिए क्लोथ चाहिए तो देखिए ऑप्शन में क्लोथ दिया हुआ है शर्ट दी हुई है ड्रैपर दिया हुआ है यार्न दिया हुआ है फ्रेंड शर्ट तो वो बनाएगा तो ये कट गया ड्रैपर और यार्न ये उसकी चीजें हैं यानी सब्सिडरी चीज़ें हैं मेन जो उसको चाहिए वो चाहिए क्लोथ इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कंटेमिनेशन फूड इन्फेक्शन कंटेमिनेशन जिस तरह से रिलेटेड है हमारा फूड से उस तरह से हमारा इन्फेक्शन किस से रिलेटेड होगा तो फ्रेंड्स कंटेमिनेशन से रिलेटेड फूड है उस तरह से इन्फेक्शन से हमारा रिलेटेड होगी बॉडी तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट आते हैं अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दे रखा है हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए है स्फाइगोमैनोमीटर किसके लिए होते है? हैं यानी हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं मेज़र किया जाता है उस तरह से स्फाइगोमैनोमीटर में आ, हम क्या चीज चेक करेंगे प्रेशर ब्लड प्रेशर पार्टिस पार्टिसिपेटेशन या फिर हार्ट बीट तो फ्रेंड्स फाइगो स्फेगो मैनोमीटर में से हम चेक करते हैं अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्लड प्रेशर को तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है एल्यूमिनियम बॉक्साइड आयरन यानी कि जिस तरह से एल्युमिनियम बॉक्साइड से रिलेटेड है उस तरह से हमारा आयरन किससे रिलेटेड होगा तो फ्रेंड्स फाइराइट मैग्नीसाइट फाइड्यूसाइट या फिर हेमेटाइट तो फ्रेंड्स आयरन जो होता है वो हमारा रिलेटेड होता है हेमेटाइट से तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर है ट्रुथफुलनेस लायर यानी कि ये अपोजिट हो गया उस तरह से लॉयल्टी किसके अपोजिट होगी वर्कर ट्रेटर डिलीजेंट या फिर फे फे फेथफुल तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रेटर तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है लेडीज पर्स यानी कि लेडीज अपने साथ जो कैरी करते हैं उसको पर्स बोलते हैं उस तरह से जेंट्स अपने साथ क्या कैरी क्या करते हैं बैग पॉकेट वॉलेट या केस बहुत सिंपल है फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सी जो अपने साथ पर्स कैरी करते हैं जेंट्स उनको बोला जाता है वॉलेट तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है सिक्किम का गंगटोक उसी तरह से मणिपुर मणिपुर की क्या होगी यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहे हैं तो सिक्किम की गंगटोक है उस तरह से मणिपुर की दिसपुर चिरापुंजी शिलोंग या इम्फाल तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे दिसपुर की होती है मणिपुर की होती है हमारी इम्फाल तो ऑप्शन डी या राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है टैनिंग लेदर फेरो टेक्निक्स के किससे रिलेटेड है वूल फायर वर्क मशीनरी या फिर बॉम्ब तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट right आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी फायर वर्क तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नेक्स्ट है पिग फेरो डॉग कि यहाँ पर बात की जा रही है जो पिग है उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके बच्चे को बोला जाता है फेरो डॉग के बच्चे को क्या बोला जाता है मेयर पपी बिच या फिर कॉल तो फ्रेंड्स बहुत इसका सिंपल आंसर है डॉग के बच्चे को बोला जाता है पप्पी तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है बी पप्पी नेक्स्ट है यूएसए कांग्रेस डैश यानी कि यूएसए जिस तरह से कांग्रेस से रिलेटेड है उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ईरान किससे रिलेटेड होगी ऑप्शन है एल्थिंग स्टॉटिंग मजिलिस या कॉटेस तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी मजलिस तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब यहाँ पर बताया गया है इन्वेंशन का जिस तरह से फंक ने विटामिन का इन्वेंशन किया था उस तरह से क्यूरी ने क्या दिया था यूरेनियम रेडियम रेडियो एक्टिविटी या फिर फोटोग्राफी तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा क्यूरी ने दिया था रेडियम की खोज की थी तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है कैलेंडर में जिस तरह से डेट इंक्लूड होते हैं डिक्शनरी में क्या इंक्लूड होती है वो लैंग्वेज वर्ड्स या फिर बुक तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी डिक्शनरी में वर्ड्स इंक्लूड होते हैं वो कैबलरी नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स हम उनको वर्ड्स बोलेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना नेक्स्ट है विजिटर इनविटेशन विटनेस डैश यानी जिस तरह से विजिटर इनविटेशन के थ्रू आते हैं उस तरह से विटनेस किसके थ्रू होता है हमारा ऑप्शन है सब परमिशन असेंट या फिर डॉक्यूमेंट तो राइट आंसर है ए सब तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनीमिया ब्लड एन किससे की किस रिलेटेड है तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्लड से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है एनीमिया एन की हमारी किसके थ्रू होगी एनार्की की कहाँ से आती है हमारी तो वो आती है हमारी लॉलेसनेस से तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है मार्च हॉर्स मास्ट जिस तरह से मार्च हमारा रिलेटेड है से, उस तरह यहां पे right है. है, friends, हमारी है, से उसी तरह से सिस्मोलॉजी हमारी किससे रिलेटेड होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो सिस्मोलॉजी हमारी रिलेटेड होती है अर्थकोएक से तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है फ्रेंड्स आई हमारी विंग करती है उस तरह से हार्ट हमारा क्या करता है मूव करेगा थ्रोव करेगा पंप करेगा या क्विवर तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है हार्ट हमारा क्या करता है पंप का कार्य करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है पिट्यूटरी हमारी ब्रेन में होती है थाइमस हमारी कहाँ होगी ठीक है लारनेक्स स्पाइनल कॉर्ड थ्रोट या फिर चेस्ट में तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी चेस्ट में नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी हमारी जूलॉजी से की वो है उसी तरह से पीटी पीडियाट्रिक्स पीडिया हमारी किससे रिलेटेड है केमिस्ट्री से मेडिसिन से फाइनोटोलॉजी से या फिर मैकेनिक से तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है बी मेडिसिन से तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं कर्नाटक गोल्ड के लिए मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है तो राइट आंसर है ए मध्य प्रदेश फेमस है हमारे डायमंड के लिए नेक्स्ट है किंग का रॉयल रिलीजियस का क्या होगा तो फ्रेंड्स रिलीजियस का यहाँ पर अगर हम बात करें तो होगा यहाँ पे होली बुक तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट है का माउंटेन उसी तरह से पेन का क्या होगा तो फ्रेंड जिस तरह से हिल का माउंटेन यहाँ पे रिलेशन है उसी तरह से पेन का होगा डिस्ट्रेस से तो ऑप्शन ए यहाँ पे टाइट आंसर है नेक्स्ट है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये वर्ड दे रखे हैं हमें ये दे देखना है जिस तरह से वुड हमारा इसमें कन्वर्ट हुआ है उस तरह से ये हमारा किससे कन्वर्ट हुआ होगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए डी दे रखा है इसके हमें चार वर्ड पीछे जाना है यानी कि ये डी था हमने किसको छोड़ा यहाँ पे सी और बी उसके बाद ए लेकर आए उस तरह से यहाँ पे ओ है तो ओ से पहले देखिए क्या क्या आता है ओ पी क्यू आर यानी कि आर आना चाहिए तो देखिए फ्रेंड्स आर हमारा यहाँ पे कहाँ पे गिविन है आर हमारा यहाँ पे गिविन है ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी अगेन हमें देखना है कि ये हमारा किससे ड्राइव हुआ इससे हमें अगर ये ड्राइव हुआ है तो तो देखिए पी क्यू आर एस ये पी है इससे एस हमारा कैसे आया पी क्यू को हमने यहाँ पे छोड़ा आर को छोड़ा अगेन यानी यहाँ पर हम देखें तो थर्ड नंबर पे हमें चूज करना है तो देखिए डी से पहले क्या आता है हमारा ए ठीक है तो ये ए हमारा है तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी तो कट गया हमें देखना है ए और आर तो यहाँ पर अगर हम अगर पीछे की तरफ देखें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ई e से एच कैसे आया ई एफ जी एच अगेन फोर्थ नंबर का हमें लेना है तो जी से क्या आएगा सी जी एच आई जे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इससे पहले का लेकर आना है तो डी ई e एफ जी तो डी आना चाहिए हमारा बाद में तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये रहा हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि इससे पहले का हमें फोर्थ नंबर पर आना है तो जी से पहले फोर्थ नंबर क्या आएगा हमारा डी और यहाँ पे डी से फोर्थ नंबर लेकर आए तो ए तो स्टार्टिंग में ए आना चाहिए लास्ट में डी तो देखिए स्टार्टिंग में ए है लास्ट में डी इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ से जिस तरह रिलेशन है नॉर्थ ईस्ट का उस तरह से साउथ से क्या रिलेशन होगा तो देखिए फ्रेंड्स पहले आप ये देख लीजिए नॉर्थ हमारा इधर है साउथ हमारा इधर होता है वेस्ट हमारा यहाँ होता है एंड ईस्ट हमारा यहाँ पर होता है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं यानी कि वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट इस तरह का रिलेशन है तो साउथ से हमारा क्या रिलेशन आएगा तो साउथ से अगर हम देखें तो साउथ से जो रिलेशन आएगा वो इधर होना चाहिए या नहीं कि हमारा यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट सॉरी नॉर्थ और वेस्ट होना चाहिए तो देखिए फ्रेंड्स नॉर्थ और वेस्ट यहाँ पे हमें क्या गिविन है तो यस हमें नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे गिविन है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगर ये इस तरह से चल रहा है तो हमें भी इसी तरह से इसको देखना पड़ेगा इसकी तरफ से क्योंकि ये अगर इस तरह मूव कर रहा है तो अगर इसका डायरेक्शन इस तरह से मूव करके ये इस तरह से यहाँ पर फोर्टी फाइव वन थर्टी फाइव डिग्री पर कौन बना रहा है अपना तो हमें यहाँ से 135 देखना होगा तो ये यह हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा इसलिए तो तो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं यहाँ पे और भी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय